स्वागत है आपका मध्य प्रदेश लाइव में। मैं हूँ सनी गंगा सागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। आपको बता दें कि पन्ना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शाहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घोर लापरवाही से जुड़ी खबर है। बैलगाड़ी पर शव को लाने के लिए यहाँ पर परिजन मजबूर हुए हैं। शव का पोस्टमार्टम करने के एवज में पैसे भी मांगे गए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीधा मृतक के परिजनों से 700 रुपए की मांग कर रहे थे और युवक ने फांसी लगाकर दरअसल आत्महत्या की थी। आत्महत्या के क्या कारण थे ये अब तक अज्ञात है, लेकिन जिस तरह से इस जिला अस्पताल की लापरवाही उजागर हुई है उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह से ये तस्वीरें आ रही है ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। आखिरकार क्यों नहीं यहाँ पर वाहन उपलब्ध कराया गया, क्यों इस तरह से पोस्टमार्टम के लिए पैसे मांगे गए और क्या वजह थी जिसकी वजह से ये व्यवस्था यहाँ पर ऐसी हो गई है। अधिक जानकारी के हमारे साथ हमारे सहयोगी खादिर खान जुड़ चुके हैं। खादिर, आप जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला और इसको लेकर क्या जानकारियां निकल कर आ रही है? जी, दरअसल बता दें कि जो शाहनगर क्षेत्र है पन्ना से लगभग 80 किलोमीटर के करीब दूरी पर स्थित है, यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बहुत बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है। ये ऐसा होता है जैसे बहुत पुराने समय पे जब लोगों के पास वाहन सुविधा नहीं होती तो गरीब लोग इस तरीके का मतलब यूज करते थे, कोई दिक्कत आती थी सामने जब इस प्रकार की घटना घटती थी। मगर आज इतने सारी सुविधाएं होने के बाद भी, करोड़ों लाखों रुपए का खर्च होने के बाद भी ये देखने को मिला है कि प्रशासन की लापरवाही से मतलब जो परिजन थे उन्हें सबको बैलगाड़ी के माध्यम से ले जाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये भी सामने निकल कर आई कि जो पोस्टमार्टम कर रहे थे तो जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थे, डॉक्टर के अलावा जो स्वीपर वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम करते हैं। उस पोस्टमार्टम करने के बाद वो नशे की हालत में पोस्टमार्टम करते हैं और उस नशे के लिए उनके परिजनों से 700 रुपए की मांग की गई थी। बिल्कुल, लेकिन कादिर यहाँ पर ये जो नशे की बात आप कह रहे हैं ये इसकी क्या कोई पुष्टि हो पा रही है? परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर और जिस तरह की ये व्यवस्था बनी है इस पर अधिकारियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? परिजनों ने साफ तौर पर इल्जाम लगाया है कि उनके जो मृतक था, सबसे बड़ी चीज पहले उन्होंने बहुत ज्यादा समय लिया, उसका पोस्टमार्टम के लिए शरीर पड़ा हुआ था, फिर उसके बाद जब पैसे की मांग की गई, जब उन्हें पैसे दिए गए, जब स्वीपर के द्वारा नशे की हालत में होकर फिर उसका पोस्टमार्टम किया गया और फिर डॉक्टर ने आगे एक रिपोर्ट बनाई। काजी, आपको रोक रहे, बीच में इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़ चुके हैं अंकित शर्मा। अंकित शर्मा, इस तरह के मामलों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये माने कि सरकारी योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित रहती है, संवेदनाएं जहां पर होनी चाहिए वहां पर अब समाप्त हो गई? बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये संवेदनाएं समाप्त हो चुकी है। 700 रुपए के लिए बैलगाड़ी में किसी मानव का शव ले जाना बहुत ही निंदनीय कृत्य है और जो भी प्रशासन को जागना चाहिए और जो भी इसमें दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या सिर्फ पैसे की उगाही करना ही एक वजह है या फिर सिस्टम का इस ओर ध्यान नहीं देना ये वजह है? ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण यहाँ पर पहुंचते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती कि क्या उनके अधिकार है, किस तरह से यहाँ पर अपनी बात रखनी चाहिए, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं ये शाहनगर पन्ना से 100 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे इस टाइप की पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। प्रशासन को इन क्षेत्रों में कम विकसित क्षेत्र इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जो भी ये आज घटना हुई है मानवता को संसार करने वाली घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और ऐसे ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिनके रहते ये सब हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर डॉक्टर्स भी होंगे, अन्य स्टाफ भी होगा, क्या आपको नहीं लगता कि उनकी तरफ से भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि ना सिर्फ एक कर्मचारी बल्कि जिस पेशे में वो है उस पेशे को भी एक नोबल पेशा कहा जाता है, ऐसे में उनके रवैये को लेकर भी बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, इसमें मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें जो भी जवाबदारी है वो वहाँ के शाहनगर के पीएमओ की है और स्वास्थ्य विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस टाइप की घटना सुनने में भी कितना ही दुखद है कि आज शासन सरकार क्या क्या कर रही, सब वाहन हर हॉस्पिटल को दिए हुए हैं 108 एम्बुलेंस, उसके बाद भी 700 रुपए के लिए ऐसी घटना आई है। नहीं,
निश्चित ही बहुत निंदनीय है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित शर्मा जी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं, और कादिर से भी हम जान लेते हैं। कादिर, आप जिस तरह से अपनी बात रख रहे थे, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप अपनी बात बताएं, आखिर क्या ऐसी स्थितियां यहां पर पैदा हो गई थी जिसकी वजह से बैलगाड़ी पर इस तरह से शव को ले जाना पड़ा? क्या एम्बुलेंस वहां पर मौजूद नहीं थी, डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, जिम्मेदार लोग जो यहां पर प्रबंधन में है वो मौजूद नहीं थे, क्या वजह बताई गई? सीधा सीधा स्वास्थ्य अमले की लापरवाही कही जा सकती है इस बात को। कई बार ऐसी घटनाएं सिर्फ निकल कर सामने आती है, जब भी कोई मृतक पड़ा हुआ होता है ज्यादातर समय ऐसा व्यतीत होता है 6 घंटे 7 घंटे डॉक्टर का इंतजार करना पड़ता है, और इसी टाइप की घटना यहाँ पे घटी है। इतने इंतजार के बाद मजबूरन स्वीपर के द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया गया, डॉक्टर केवल वहां पे खड़े रहे और स्वीपर के द्वारा पैसे मांगे गए, फिर स्वीपर को जब उनके रिश्तेदारों ने परिजनों ने पैसे दिए उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं उसका पोस्टमार्टम किया। और इसके बाद जैसे कि समुदाय स्वास्थ्य केंद्र को एक बहुत बड़ी बात होती है कि शव वाहन की व्यवस्था कराना, और इजी में तरीके से हो भी जाता है, बहुत सरल तरीका होता है उसका, मगर कहीं ना कहीं लापरवाही है सीधी सीधी। और जब हम लोगों ने सीएमओ से बात की, सीएमओ ने 24 घंटे का उनके लिए कारण बताओ का जारी करके रखा है, मगर हमेशा से ही एक नॉर्मल सी प्रक्रिया के द्वारा सामने वाले को छूट की दे दी जाती है। इसमें अगर कोई बड़ी कार्रवाई हो तो सामने वाले को ठीक लगेगी, और इतनी बड़ी निंदनीय कृत्य के लिए सोचना पड़ेगा कि जो मतलब सामुदायिक केंद्र चलाते हैं जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, तो कम से कम इतनी मानवता हो उनमें कि इस तरीके का कृत्य न हो सके। बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ी बात आपने भी कही है कि स्वीपर के हाथों से पोस्टमार्टम कराया गया, डॉक्टर केवल खड़े रहे, पैसों की मांग फिर स्वीपर ने की है, तो जाहिर तौर पर किस तरह की स्थितियां यहाँ पर है ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। देखना ये होगा कि कब तक इसको लेकर सख्त और मजबूत कदम उठाते हुए जमीन पर इसको अमल में लाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर इस पूरी जानकारी के लिए।